बनेगा पूर्णांकों का जोड़। दो पूर्णांकों को कैसे जोड़ेंगे, या तीन पूर्णांक कैसे जोड़ेंगे, या तीन से ज्यादा पूर्णांक कैसे जोड़ेंगे, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, सीखेंगे। तो इससे पहले हम जानते हैं, पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं प्राकृत संख्याएं क्या चीज है, नेचुरल नंबर्स। गिनती संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि एक दो तीन चार पांच छह को क्या क्या कहेंगे, प्राकृत संख्याएं। और जब इन्हीं प्राकृत संख्याओं में एक शून्य को भी जोड़ देते हैं, इस प्रकार जो संख्याओं का समूह बनता है, परिवार बनता है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और इसी पूर्ण संख्याओं में कुछ और संख्याओं को जोड़ते हैं तो पूर्णांक संख्या बनती है। तो पूर्णांक संख्याएं कैसे बनती है उस पर जरा सा देखिए। जान के यहां से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 को कौन सी कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब एक के लिए कल्पना कीजिए, कौन ऐसी संख्या होगी जिसको इससे आप जोड़ेंगे कितना होगा, शून्य होगा। दो के लिए क्या जोड़ेंगे कि शून्य होगा, माइनस। तीन के लिए क्या जोड़ेंगे कि शून्य होगा, तो -3। इस प्रकार से जैसे 1, 2, 3, 4 इधर बढ़ते जाती हैं, उसी तरह से -1, -2, -3 इस प्रकार से संख्याएं इधर बढ़ती चली जाती हैं। इन संख्याओं के बारे में आप लोग पिछली कक्षा में, क्लास 6 में आप लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इन्हीं पूर्णांक संख्या के बारे में कुछ जानेंगे विस्तृत से, और जोड़ करना भी जानेंगे। तो शून्य के दाहिना तरफ जो संख्याएं दिख रही हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसे धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, और शून्य के बाईं तरफ संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं, निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब सवाल उठता है कि शून्य आखिर है क्या, पूर्णांक है कि नहीं, पूर्णांक है तो धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो शून्य पूर्णांक अवश्य है, परंतु इसका अपना कोई चिन्ह, चिन्ह मतलब प्लस या माइनस नहीं होता है। और एक चीज, 5 कहने मतलब होता है +5, मतलब धनात्मक संख्या, लेकिन -2 मतलब -2 होगा, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होगी। इस प्रकार से बच्चों तुम लोग जान गए कि प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू हुई, और पूर्णांक संख्याएं शून्य के दाहिनी तरफ भी जाती है बहुत अनंत तक, कोई अंत नहीं है, और पूर्णांक संख्या -1 से जाकर के इधर अनंत हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कोई भी दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे, जोड़ने पर क्या होगा उसको जानना है। तो ठीक है, इसे हम मिटाते हैं।